हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी सीरीज जिसके दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी है 2, देन 6, देन 10, देन 14, देन 18। तो आप देखो इनके बीच का डिफरेंस ना सेम है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, यहाँ पे भी 4, फिर 14 माइनस 10 4, देखो 6 माइनस 2 इक्वल क्या है 10 माइनस 6 इक्वल क्या है 14 माइनस 10 इक्वल क्या है 18 माइनस 14, है ना। सब कितना आ रहा है, सब सबकी वैल्यू आ रही कितनी 4, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, ऐसी कोई भी सीरीज जिसके हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, ओके। अब ये जो डिफरेंस होता है ना, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब अगर यही सीरीज ऐसे लिखी होती कुछ के 15, देन 15 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 11, देन उसके बाद 7, देन 3, देन माइनस 1, देन माइनस 5। तो अब देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है ना, ये सीरीज डिक्रीज हो रही है। अब 11 माइनस 15 करिए कितना आएगा, ये आएगा माइनस 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 4। और ऐसे ही अगर कोई एक सीरीज मैंने लिखा यहाँ पर 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन, तो देखो हर दो टर्म्स जो है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो। ठीक है ना, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल डी से। ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों हो सकता है। ठीक, तो आई थिंक आपको भी सीरीज क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए, जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर मैंने एक सीरीज ली यहाँ पे a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट टर्म है a1, इसको हम इक्वल ले लेते हैं a के, और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है, हम कॉमन डिफरेंस को ले लेते हैं स्मॉल d। ठीक, ये लेते हैं हम स्मॉल d। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डी। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d। A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 3D। मतलब D D का डिफरेंस आता जा रहा है इन सब में। ठीक है, तो यहां से अगर आप चेक करो तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D, है ना। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 0 इंटू डी कितना आ जाएगा, A। सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1D। फिर थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1D। फोर्थ टर्म को ऐसे ही हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1D। ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर हम AN को क्या लिखेंगे, AN को हम लिख लेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो भी यहाँ पे चार, देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, एक ये 1, 2, 3 और 4। इन 4 में से कोई भी 3 दे दिए जाएंगे तो आप फोर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से अगर कोई भी 3 दे दिए जाए तो आप फोर्थ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक सीरीज में, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि एक सीरीज में का 7th टर्म जो है, इट मीन्स A7 जो है वो है 15, और उसका 12th सम जो है वो है 32। ठीक है, देन फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस, या फिर आपको बोला जाए देन फाइंड A10। तो कैसे करेंगे, अब देखो A7 दिया हुआ है ना, तो A7 क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1D, यानी A प्लस 6D, दैट इज इक्वल टू 15। और A12 कितना दिया हुआ है, A प्लस 12 माइनस 1D, इट मीन्स 11D इज इक्वल टू 32।
ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ए निकाल लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल लेंगे, अपना डी आ जाएगा, और फिर डी को पुट करो तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ए मिल गया, डी मिल गया, तो ए टेन की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ए टेन की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस टेन माइनस वन डी, यानी ए प्लस नाइन डी। निकाल लीजिए ए प्लस नाइन डी की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इसके सम होते हैं। तो ये क्या था, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ये क्या था, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n ap, फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n ap। तो देखिए उसमें क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखना है, ठीक। तो देखिए ये क्या कैसे करते हैं, अब हमें वही ap हमारे पास है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म जिसका a है और लास्ट टर्म उसका an है, ठीक। अच्छा, अब देखिए हमें सम निकालना है, तो अगर फर्स्ट टर्म a है तो फिर सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म होगा a प्लस एन, थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा a प्लस टू एन, एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम इसको वन टू ए एन लिख, ए टू ए एन लिखे या ए एन टू ए लिखे, बात तो सेम रहेगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा साथ में एग्जाम्पल भी बताती जाऊंगी, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ, हम केवल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव निकाल रहे, ठीक है। हम वन टू फाइव ऐड करें या हम फाइव टू वन ऐड करें, कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर हम ए टू ए एन ऐड करें या ए एन टू ए ऐड करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे इसको उल्टा लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू डी, ठीक। और फिर लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, अपना लास्ट टर्म आ जाएगा क्या, यहाँ पे ए, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर लिया जाए, ये इक्वेशन वन ये है इक्वेशन टू, इन दोनों को ऐड कर लो, तो टू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ए और ये ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना। सेम ये भी कितना हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ऐसे ही लास्ट टर्म भी कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म भी हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, एन थे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स एन थे। तो देखो जैसे मैंने आपको इधर बताया ना दूसरा सम करके, तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने, ये ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से टू एस कितना हो जाएगा, फाइव प्लस वन सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, थ्री प्लस थ्री सिक्स, है ना। तो सब कितना हो जाएगा, सिक्स। अब ये कितनी बार है, फाइव टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव इंटू सिक्स, है ना। तो यहां से एस कितना हो जाएगा, फाइव इंटू सिक्स बाई टू, वही काम हमको इसमें करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम ये काम कैसे करेंगे, यहाँ पे टू एस कितना हो जाएगा, एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा n बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है s का, ठीक, यानी सम ऑफ n टर्म्स का, s n सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको s n लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब इसी में देखो एक और भी चीज देखो, अगर हम यहाँ पे इस एस एन को ऐसे लिखें कि एन बाई टू और ब्रैकेट में इसको लिख लें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो ये क्या है, ये है एनएथ टर्म का फॉर्मूला, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन, और इसके बाहर एक यहाँ पे क्या होगा, एन बाई टू, ठीक है ना, एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो इसको हम ए एन को हम लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, यानी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में भी देखना,
एस एन एन ए और डी टोटल फोर वैल्यूज हैं, ठीक है, फोर वेरिएबल्स हैं, तो इसके कोई भी तीन वेरिएबल्स पता हो तो आप फोर्थ इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताऊंगी। आप एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी के जो भी डाउट्स आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको उनको सोल्यूशन दूंगी। ओके, थैंक यू।